स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके वंदना ब्लॉग्स में। मैं हूं डीके और ये है वंदना जी। आप सब हमारी वीडियो को, हमारे ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा और दिल से धन्यवाद आप सभी को। तो चलिए, वो समय आ गया है केक काटने का, तो हम लोग तैयारी करते हैं। सोनाक्षी यहाँ केक लेके आ गई है और वंदना जी क्योंकि कल व्रत रहेंगी, कल मंडे है ना, जब तक ये ब्लॉग आएगा मंडे है, और जब तक ये ब्लॉग आएगा, क्या ब्लॉग आएगा, ये ब्लॉग आ जाएगा तो मंडे ही हो जाएगा ना। हाँ, जब तक ये ब्लॉग यानी शूट हो रहा है ना, शूट हो रहा है पहले, हो रहा है संडे रात को हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि मंडे का है, संडे रात को। अभी घड़ी में 12:30 बजे, 11:30 बजे हमारा केक 1 मिलियन मौज डीके वंदना। क्या बात है, बच्चे काफी खुश है, उत्साहित है, ऐसे हमेशा केक करता रहे, आप लोगों का प्यार है, दुलार है, क्या होता है टेस्टिंग में, सब लोग मिलके काटेंगे केक। चलो पकड़ो हाथ, सोनाक्षी ईशा पकड़ो, पकड़ो यार, शर्माओ मत, जाए जल्दी से। मैं कंग्रेचुलेशंस सेलिब्रेशंस, देखो यहाँ पति देव के 1 मिलियन होने पे मैं इनको केक खिला रही हूँ गाइस, और आप लोग भी लीजिए, खा सकते हैं मेरी तरफ से। तो क्योंकि डीके वंदना का नाम जुड़ा हुआ, तो वंदना जी ने मुझे खिला दिया, मैं वंदना जी को खिला देता हूँ। उसके बाद अब खिलाते हैं बच्चों को। सोनाक्षी हम खिलाएंगे, सोनाक्षी ज्यादा है, बहुत मीठा केक है, ये अच्छा नहीं है, मैंगो फ्लेवर अच्छा है, नहीं मैं कहेंगे ज्यादा है, ऋषभ खा लो, बहुत ज्यादा। तो यहाँ केक हमारा कट गया है, और बच्चों ले लो प्लेट में, अपना खाओ। पापा ये ना कब से ठूस रही है। अच्छा। तो चलिए फैमिली, रात को घड़ी में 12:15 बज गए हैं, और इसी के साथ अपने वीडियो को रोकते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में। सबको दिल से थैंक्स, और फैमिली के साथ हमने केक काटा है, आप लोग भी मिलेंगे जब कभी तो आप लोगों को केक खिला देंगे। फिर कभी 2 मिलियन हुआ या 1 लाख हो जाएंगे मौज पे यूट्यूब पे, तो आप लोगों को भी खाने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। तो हम लोगों को केक खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पार्टी, और वंदना जी को भी दे दिया हूँ, पी ली है, उसके बाद बच्चे। The next morning. तो फैमिली सुबह के बज गए घड़ी में 7:15, और सभी को गुड मॉर्निंग। हो सकता है मेरा व्लॉग जो है रात को आए, तो सुबह है तो सुबह को गुड मॉर्निंग ही बोलना पड़ेगा। तो इधर सब मेरा बेटा देख सकते हैं तैयार हो रहा है, आ जाओ आज आ जाओ पी लो, आ जाओ, शर्मा जाता है। तो सोनाक्षी स्कूल चली गई है और ये सब तैयार हो रहा है, इसको चलते हैं छोड़ने के लिए, फिर मिलते हैं। तो ऋषभ की मम्मा ऋषभ को देख सकते हैं, तेल मालिश कर रही हैं सर पे, तो ऋषभ कह रहा है कि मत मालिश करो नहीं नींद आ जाएगा। नहा दिए हैं आराम से, और सुबह सुबह नहा लिए, खांसी आ रहा है, और सुबह सुबह नहला भी दिया तुमने, रात को कोल्ड ड्रिंक भी दे दिया पीने के लिए, नहाए सही है लेकिन ठंडा चीज न पिए। हाँ तो ठंडा चीज पानी नहीं मत दो ना ठंडा, तबीयत नहीं लग रहा है क्या? मेरा ऋषभ बेटा देख सकते हैं बैग में टांग लिया है, कह रहा है पापा आज बैग मत लो, बैग बहुत हल्का है, पेपर है तो 1-2 कॉपी लिए है बस न, और बोल रहा है कि मैं खुद लेके चलूंगा आज मत लो क्योंकि बहुत हल्का बैग है। तो ऋषभ ऋषभ को छोड़ दिया हूँ स्कूल, और मैं घर पे ही जा रहा था, वंदना जी बोले कि माला फूल लेते आना, तो यहाँ पे देख सकते हैं माला फूल लेने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। One hour later. हम सबका सुबह सुबह सारा काम हो गया है, पूजा पाठ जल वगैरह भी चढ़ गया, बच्चे स्कूल भी जा चुके, और मेरा नाश्ता वगैरह भी हो गया, ड्यूटी के लिए तैयार भी हो गया। और हाँ तो देख सकते हैं वंदना जी एकदम, क्या बात है, एकदम छा गई हो, तुमने साड़ी पहन रखी है। चलते हैं, कूड़ा की गाड़ी आ गई है और कूड़ा दे देते हैं, और मौसम भी काफी अच्छा प्यारा है, प्यारा क्या होता है, हमारा भाषा ही ऐसा है, क्या करें। तो चलते हैं, पहले कूड़ा दे देते फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। बर्थडे में जाने के लिए सबका टिकट कट गया, बस
हम लोगों का नहीं कटा है, ना मेरा, ना वंदना जी का, ना बच्चों का। और वंदना जी को मैंने बोल रखा है कि जब जाना हो तो अपना टिकट विकट कटवा लो, क्योंकि मेरा भरोसा मत करो। तो कह रहे हैं आप क्यों नहीं चलोगे, मैं बोला आप चली जाओ। ऐसे सचिन मनीषा के यहाँ जब प्रोग्राम था तो मैंने मना कर दिया, फिर भी वो बोली कि नहीं सब लोग आएंगे, आप भी चलिए, लास्ट वाले दिन आ जाना। फिर भी मैं लास्ट वाले दिन पहुँचा था जब लास्ट प्रोग्राम था। तो अभी कह रहे हैं कि गाँव चलो, सब लोग चल रहे हैं, आप क्या करोगे अकेले। मैं बोला जाओ यार आप लोग घूम के आओ, मेरा मन नहीं कर रहा है। कह रहे नहीं आप चलो, बिना आपके हम भी नहीं जाएंगे। तो देखते हैं क्या कर रही हैं। क्या हुआ जी टिकट का क्या हुआ? चलते करवाते हैं बोर्ड का। तो मुझे बुक करना नहीं आता क्योंकि उसमें एक कोड मांगता है, वो कोड मुझे नहीं पता कैसे होगा, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उसको कर सकूं, क्योंकि वो सब तसल्ली से होता है। फिर अमित से बुक करवा देते हैं और वही कर देते, फिर उनको पैसे दे देता हूँ मैं और वो तुरंत कर देते, क्योंकि कभी कभार पैसे कट जाते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। तो अपने सिर पे क्यों लेना जब छोटे भाई बुक कर देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते, बस पैसे देना रहता। तो अपना बोल के बुक करवा रही हैं। और चलिए मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, फिर शाम को बात होगी, देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो बुक करवा रही हैं टिकट, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हम चलते, हमारी तैयारी हो गई। इधर वंदना जी एकदम लल्लन टॉप लग रही हैं, आज तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है इनको। कहीं ले जाओगे, चले क्या भोले बाबा मंदिर दर्शन तो करके आई हो, भोले बाबा के मंदिर गुड़गांव में। चलो यार फिर कभी चलेंगे, इस हफ्ते दो छुट्टी कर ली है। चलो ठीक है, तो इसलिए शॉपिंग भी करना है थोड़ा सा, तो जाओ कर लो ना, किसी ने मना किया है? अकेले क्या, अकेले हम अकेले क्या? तो किसको? सुमल को। तुम्हारी भाभी वो बहुत तेज शॉपिंग करती है, शॉपिंग करने में बड़ी तेज है, मतलब कि फटाफट करती है वो। तुम्हारी भाभी है, चाहे लिवा के जाओ चाहे छोड़ के जाओ, चलते हैं। फोन करते मुझे खाली हो। हम तो इनसे बोल रहे थे कार से ही चलते, लेकिन ये करेंगे नहीं, कार से नहीं ट्रेन से चलेंगे। कार से चलते तो अलग ही मजा आता, आनंद लेते हुए चलते नहीं जी। लेकिन ये पता नहीं, कह रहे बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। ये जानते हो जो उनका जो अरे सीएनजी होता है, थोड़ा सा पैसे की बचत होती है, लेकिन उनका डीजल चलता है। क्यों किराया कटवा के जाओगे, लगेगा नहीं? हाँ? मेरा टिकट तुम्हारा सुना अच्छी गा लगेगा। हाँ, वो सही रहेगा, वो आपका 4-5 हजार में हो जाएगा, और फिर 8-9 हजार का तेल लगेगा। तो क्या हुआ, एक बार कार से जाओगे, कार से भी तो जाके देख लो मनोरंजन। नहीं नहीं बाबा, 10-12 ये डरती बहुत है, 12-12 हजार रूपए डीजल का लग जाएंगे। चलो ये एक नंबर की, ऊपर से रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो 4 घंटा कोई भरोसा नहीं। इनको बोलते हैं सोनाक्षी रिशभ का छुट्टी होता, टिकट कटवा दे गाँव चली जाओ, कहती नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, हम खो जाएंगे। और देखो सीमा पाकिस्तान से आ गई अकेले, चार हम सीमा थोड़ू ना है, चार बच्चों को लेके पाकिस्तान चले जा रहे हैं। आपको दो ही बच्चों लेके बस यूपी में ही जाना है, वो बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप चाहते क्या हो ये बताओ। अरे आप भी चलो खुलो, थोड़ा एंजॉय करो, और खुलो खुले नहीं, हमेशा मेरे भरोसे मत रहो ना बाहर। चलो ठीक है कोई बात, और क्या, हमेशा मेरे भरोसे बैठी रहती हो, पति देव जहाँ जाएंगे वहीं जाऊंगी। चलो मैंगो है, एक केला है प्रसाद, तो ये प्रसाद चढ़ाई थी दे रही है मुझे, और एक मंदिर से मिला था बनाना, घर पे तो मैंगो चढ़ाए थे। फिर मिलते हैं रात को, हमारा एजेंट झगड़ा दे रहे हैं। लोग पूछते हैं, पूछेंगे ये साड़ी कहाँ से खरीदी हो, तो क्या बताओगे? आपके चैनल पे आएगा वंदना, आप भी बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है सूरत लेडीज फैशन हब के पेज से, मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी मेंशन कर रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। बाय बाय।